हेलो दोस्तों, आज हम ऑफ शोल्डर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमने इसमें शोल्डर रखा है 6.5, 6.5 पर ही हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसे राउंड शेप देंगे, क्योंकि हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से भी लाइन खींचेंगे सीधी और इसे राउंड शेप देते हैं। हम इस तरह से गोल कर दें। जब हम इसकी कटिंग करेंगे थोड़ा सा इसे डाउन कर देंगे नीचे की तरफ, जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। अब हम यहाँ से 2 इंच लेंगे शोल्डर की तरफ से, सॉरी आर्म होल की तरफ से 2 इंच लेंगे और गले की तरफ से हम 4 इंच लेंगे। इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, राउंड शेप देंगे, हल्का सा गोल करेंगे, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। तो मैं इसे 1 डॉट वाला बना रही हूँ। तो यहाँ से हम 3.5 पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 3.5 लेंगे और इधर से हम 1/2 इंच लेंगे और इधर से भी 1/2 इंच। अब इन दोनों कोण का मिस्टर से मिला देंगे। हमने यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाया, तो अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमने एक 36 इंच का बना रहे हैं, तो इसे 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का हो गया। और कमर 32 है तो 8 लेंगे। जितना हमने ऊपर रखा उतना हम नीचे रख लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन दोनों कोण को हम इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ से हम अपनी बेल्ट इसे यहाँ से उठाएंगे 1 इंच और 1/2 इंच हम यहाँ से उठाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से मिलाएंगे इसे इधर से भी। तो ये ब्लाउज बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है फ्रील वगैरह लगाने के बाद। यहाँ से हम डायरेक्ट उसी पर कटिंग करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ से हम डाउन कर देंगे नीचे की तरफ, जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और यहाँ से साइड से इस तरह से। तो इस तरह से होगी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे जहाँ जहाँ हमने डार्ट्स का निशान लगाया था। तो इस तरह से हमारा ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज की कटिंग हुई। अब हमें इसे फ्रिल लगाना है, तो हम इसमें फ्रिल के लिए हम काटेंगे इस तरह से, इस तरह से निशान लगाएंगे। जितनी भी लंबी जितनी भी चौड़ी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो हमें इसे इस तरह से लगाना निशान यहाँ से। अब जितना चौड़ा हमें रखना हम रख लेंगे। तो मैं इसे 5 इंच चौड़ा रख रही हूँ। 5 इंच हम यहाँ से नापेंगे। अब इन दोनों कोण को हम इस तरह से मिला देंगे और कटिंग कर देंगे यहाँ से। तो हमारा ये फ्रिल निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फ्रिल तो दोस्तों इस तरह से मेरा ये फ्रिल निकल गया, कट गया। अब क्या करेंगे, जब हम सिलाई करेंगे बैक और फ्रंट की, तो हमें इस फ्रिल को यहाँ से ज्वाइंट करना है यहाँ से, और ये पूरे शोल्डर तक गिरता हुआ रहेगा। तो बहुत ही सुंदर लगेगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से हमारे ऑफ शोल्डर ब्लाउज की कटिंग हो गई, जिसे बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है ये ब्लाउज। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।